भाई साहब रेलवे स्टेशन ये पीछे है, गाड़ी से जाना है। चलो आओ थक गए भाई इतना लगे ले लेंगे। हाँ ये कर लो पहले। चलो यहाँ चढ़ाना ना पड़ जाए प्लेटफॉर्म दो तक हालत खराब है। हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, यहाँ से हमारी ट्रेन लगभग 10 बजे और अभी बज रहा 8, दो घंटे का इंतजार है। कहीं कुछ खाते हैं बढ़िया तो अभी जा रहे हैं, कुछ खाते हैं कुछ लेने खाने के लिए। यहाँ से इस रेलवे स्टेशन में मेरी बहुत बुरी याद और बहुत अच्छी याद भी जुड़ी हुई है, तो कभी मौका मिला तो शेयर करेंगे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आए थे, बहुत अच्छी याद लेकर जब गए थे तो बहुत बुरी याद लेकर। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा खाना देते थे, वो ढूंढते हैं पहले। मस्त ट्रेन का इंतजार हो रहा है, हम लोग बढ़िया बिछा के पल्ले और अपना चद्दर वद्दर बैठ गए मस्त। इनका ऑफिस चल रहा था अभी तक यहीं पे प्लेटफॉर्म में नीचे बैठ के ऑफिस का काम हो रहा भाई। ऐसे ही जिंदगी हो मिनटॉस जिंदगी। अब भाई ना डेडिकेशन वर्कलोड कहते हैं इसको। अच्छा ये बताओ कितने बजे कितनी देर में आ रही है? 9:50 पे है ना, अभी कितना हो गया? 9:20 हो गया, मतलब 10 मिनट बाद ट्रेन लग जाएगी, यहीं से स्टार्ट होगी, यहीं से बन के चलती है। देखो भाई क्या होता है, अपना तो मस्त बाइक है। अबे हम लोग बैठे भाई, एक ट्रेन है उसको पानी सके फैला दिया भाई, बड़ा बुरा लगा। लेकिन खैर इधर नहीं आया, इधर ही उधर निकल गया। अपना चंद्रा लेते लाए तो धुलने के लिए भी घर ले जाए, धुलेंगे जाके मस्त काम आ रहा है। यहाँ पे भारी था काफ़ी, बिल्कुल गद्दा जैसा लग रहा है, देखो मोटा सा। तो भाई साहब हमारा लंबा वाला कट गया, कट ऐसे गया कि हम लोग बैठे हैं 7 बजे से यहाँ पे, 7:30 बजे से, और हमारी ट्रेन थी 9:50 पे। अब वो जबकि यहीं से स्टार्ट होनी थी, अब वो हो रही है 1 बजे। कोई बताने वाला नहीं, कोई उसमें बताया ही नहीं। हम भाई बैठे, हमने सोचा गई हमें लग रहा गलत स्टेशन बैठे, फिर गए इंक्वायरी में पता करने तो वहाँ कोई था ही नहीं। भीड़ भयंकर, सब तब इतरा उतरी मच गई भयंकर। फिर जाके पता चला कि 1 बजे के लिए रिशेड्यूल हुई है, और अभी मैसेज आया है जब बिल्कुल ट्रेन का मतलब कितना बज गया, बहुत टाइम हो गया उसके बाद भी। भाई साहब ट्रेन में बैठ चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट है, 9:50 की ट्रेन थी, अभी 2 बज चुका है, अभी भी स्टेशन में ही है, हालत ख़राब है। पहुँचेंगे हम लोग पता नहीं कब, पंगे अलग हो रहे हैं। चलो देखते हैं, सुदीक्षा की अलग सीट है उधर, ये देखते हैं। ब्रश व्रश करते हैं उसके बाद फिर आगे चाय वाय पी जाए। आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो। अभी हम लोग नागपुर क्रॉस कर चुके हैं, इटारसी की तरफ जा रहे हैं, मस्त नज़ारा है। बहुत लेट है भाई, कल लगभग हम लोग
लगभग जंगल के अंदर से जा रही है, पूरा जंगली इलाका है, गाँव बने भाई बढ़िया प्रॉपर, छोटे छोटे दो दो चार चार गाँव हैं, मतलब आदिवासी लोग। तो अभी हम लोग यहाँ से लगभग 4:30 बजे के आसपास इटारसी पहुँचेंगे, और उसके आगे भाई बहुत लेट हो गई है, खतरनाक लेट हो गई है। क्या ये ट्रिप इतनी अच्छी स्टार्ट हुई थी, और स्टेशन आते आते तक निकाल, अभी तो बस ऐसा लग रहा पहुँचे हैं यहाँ, क्या बताएं, बहुत लेट हो गए, बहुत 9 बजे का टाइम था, 3 बजे चल रही है वहाँ से रात में, और उसके बाद फिर लखियार हो गई, लखियार ही हो गई। लाही खड़ी है, लाही इसी से सरसों का तेल निकलता है। तो देखो दो खंड का कच्चा मकान कितना सही लग रहा है भाई, यहाँ के मध्य प्रदेश के मकान बहुत बढ़िया है, लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से बनाए ना। स्टम देखो भाई का, नया रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल साफ सुथरा, एक भी गंदगी नहीं, एक भी पैसेंजर नहीं, बिल्कुल नया नया नवेला। अभी हम लोग मेन लाइन में हैं, अबे खड़ी कर दिया भाई, ये देखो ये नई टाइप की मालगाड़ी कन्वर्ट की गई है, ये सब पार्सल वैन टाइप बना दी, एक भी पैसेंजर नहीं भाई इस स्टेशन में, घोड़ा डोंगरी। तो शाम के 5 बज गए, अब हम लोग इटारसी पहुंचे, हालत खराब है। आज जाना है, सही है यार, ये हमारे गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर, तो ये CBSE से गोल्ड मेडल मिला है इनको, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। हाँ भाई हमारे क्लास 10th में है, लेकिन गोल्ड पे गोल्ड ला रहे स्विमिंग में, भगवान करे तुम इंडिया के लिए गोल्ड लाओ। क्या कहना चाहेंगे सुदीक्षा जी? एक्स बास्केटबॉल प्लेयर स्टेट लेवल। अब तो चलने को तो मेरे पैर चल नहीं पा रहे थे तुम। भारत के सबसे पहले प्राइवेट रेलवे स्टेशन पे है, जो कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, भोपाल से पहले पड़ता है, साउथ से जब जा रहे होंगे आप तो, इतना बढ़िया प्यारा रेलवे स्टेशन है, देखो सफाई, ये है प्राइवेट रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ज़्यादातर जो भी दुकानें हैं सारी प्राइवेट हैं, और अच्छे देखो यहाँ पे श्रीधि दूध, इतना सही लग रहा भाई, यहाँ पे ट्रेन खड़ी हो गई तो मज़ा आ गया, और यहाँ पे जो भी मतलब अंदर है काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है,
देखो दिखा देखो जैसे मेट्रो स्टेशन है वैसे बना रखा है, काफी प्यारा सा है। ये देखो सारे प्राइवेट यहाँ पे स्टॉल हैं स्टार्टअप वाले। अभी वो चाय करके एक चाय पी है, बहुत ही बढ़िया चाय पी भाई। ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, भारत का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो कि वेंडर में आया है। चलो पीछा आया दिखाते हैं आगे चल के, मस्त ये सब चीज़ें जाननी चाहिए इंसान को। खाना आ चुका है, ये हमने यहाँ भोपाल में ऑर्डर किया था। तो ये है क्या है, कढ़ाई पनीर और कुलचा। तो ये वेज मील है, सैंडविच खाना सर, वेज सैंडविच खाते हैं मस्त। फिर पहुँचते हैं कल सुबह 4 बजे। तो अभी ऑलमोस्ट कानपुर पहुँच गए, लगभग 4-5 मिनट में पहुँच जाएंगे। गोविंदपुरी आने वाला है, सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं। ठीक है अच्छा टाइम पे पहुँचा दिए, जिस हिसाब से लेट थे तो टाइम सही टाइम पहुँचे। चलो पहुँचते हैं घर, काफ़ी समय बाद देखते हैं कैसा क्या माहौल है। कानपुर का सर्दी काफ़ी बढ़ गई तो जाकर बैठ कर डाली है, मस्त पहुँचते हैं। फाइनली हम लोग कानपुर पहुंच चुके हैं। दीक्षा जी कैसा लग रहा है? धन्यवाद। ये भैया मिले हमको रास्ते में, अपना शहर अपना ही होता है भाई, कोई कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव वाइब है। चलो देखते हैं वापस घर की ओर। ठीक चलो उधर से चलते हैं अंडर पास से, है ना? चलो वेट, आप वेट कर रहे हैं किसी का? चलो मस्त निकल रहे। सब फाइनली घर पहुंच गए, सुबह के लगभग 6-5 हो रहा है और मस्त आराम से पहुंच गए। सागर उठ ही नहीं रहा। सागर उठ गए पापा, उठो चलो। यू का है कोल्ड ड्रिंक पिए है रहा का? नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं है। यू का है इमली? यू का है मैं भरे हो? ये देखो दोस्तों इमली भरी है, इमली के छिलके वो गुठली उसमें भरे है बोतल में। एक से एक भैया कलाकार आदमी। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता की, खुश हो खुश हो, टेक केयर, जय हिंद।